तो आज हम बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और इसमें हमारा आज पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए नया है, आज तक आपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। आपने सेट जरूर आपने पढ़ा है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपके लिए नया टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ एंट्री इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर, इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। मतलब एक आपको ऐसा एलिमेंट गिवन होगा जिसमें एंट्री जो होंगी वो किसी ऑर्डर में रहेंगी, आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो सेट ले लेता हूँ, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो सेट ले लिए, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हैं, और ऑर्डर्ड पेयर को मैं लिखूंगा ए कॉमा बी। दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर वेयर स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। ये जो ए कॉमा बी मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये क्या है? इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों बराबर नहीं हैं। जब तक ये दोनों बराबर ना हो, तो ए और बी डिफरेंट है, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए भी डिफरेंट है। बात समझ आ गई? जैसे हम कहें कि 1, 2 एक एलिमेंट है, आप ये कभी नहीं कह सकते कि 2, 1 एलिमेंट दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑर्डर पेयर। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जो हमने ऑर्डर पेयर किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, सिंपली तो यहाँ पे हमने सेट क्या लिया, दो सेट लिए ए। तो ए और बी का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा ऐसे, रिप्रेजेंटेशन होगी ए क्रॉस बी। पढ़ेंगे कैसे? ए क्रॉस बी, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कौन कौन से सेट लिए मैंने? एक ए ले लिया, एक इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ए कॉमा बी, सच दैट यहाँ पे ए जो है वो कहाँ से मिलेगा? कैपिटल ए से। और बी कहाँ से मिलेगा? कैपिटल बी से। और अब इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा, सो ये सेट बन गया। तो ये ए कॉमा क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट प्लेस कहाँ से आएगी? फर्स्ट, जो फर्स्ट प्लेस पे सेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट वहाँ से आएगा। सेकेंड एलिमेंट जो सेकेंड आपने लिखा है वहाँ से आएगा। अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूँ बी क्रॉस ए, तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा? बी कॉमा ए, और यहाँ पे बी कहाँ से आ रहा है? ए से। ए सॉरी, गलत लिख दिया। बी कहाँ से आएगा? और ये जो सेकेंड जो है, ये जो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड से। समझा गया? तो दिस इज नोन एज कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो, एक सेट ले लेता हूँ ए, जिसमें दो कलर हैं, एक रेड दूसरा ब्लू। दूसरा सेट ले रहा हूँ बी, जिसमें तीन आइटम्स हैं मेरे पास, एक है बैग, एक है बैग, एक ले लेते हैं शर्ट, और एक ले लेते हैं क्या ले रहे, और चलिए पैंट ले लेते हैं। हमारे पास तीन इसमें आइटम्स हैं, तीन एलिमेंट हैं इसमें, में दो एलिमेंट हैं। हमने इन दोनों सेट का क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट।
और दोनों नॉन एम्प्टी हैं, कोई ना कोई तो एलिमेंट है इसमें, तो मेरे पास ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? मैं इनके पहले पेयर बनाऊंगा, पहले हम पेयर बना लेते हैं, वैसे समझा रहा हूँ, अगर तो आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर का क्या मीनिंग है कि पहला रेड और बैग आ गया, दूसरा फिर रेड शर्ट आ गई, फिर रेड पैंट लिखेंगे आप ये वाली ब्रैकेट के साथ। बार बार आपको मैं बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया है जिस तरीके से, आपने ठीक वैसे ही यूज़ करनी है, चेंज को नहीं लगानी अपनी मर्जी से। नेक्स्ट क्या है, सेकंड कलर क्या है? तो ब्लू, ब्लू बैग एक बार, दूसरा ब्लू शर्ट आ जाएगी और तीसरा ब्लू पैंट आ जाएगी। ये मेरे पास ऑर्डर पेयर बन गए। इन ऑर्डर पेयर को सेट में लिख दो तो क्या बन जाएंगे जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या आ गया? रेड बैग पहला कोमा रेड शर्ट कोमा रेड पेन, पेंट लिखा, पेन यहाँ पेन लिख दिया था, तो चलो पेन ही कर देते हैं। चलो रेड पेन और फिर ब्लू बैग, फिर ब्लू शर्ट और ब्लू पेन और ब्रैकेट में। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है, और उन ऑर्डर पेयर का सारे ऑर्डर पेयर बनाने हैं अपने, और उनको किस में लिख देने हैं? सेट के फॉर्म में। तो अब आप देखें कि जो फर्स्ट सेट है ए, तो इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ध्यान से देखें तो क्या वो ए से ही आ रहे हैं? मैंने कोई चेंजेस नहीं की। और जो बी सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट का जो सेकंड एलिमेंट है वो सारे आप ध्यान से देखें तो वो कहाँ से आ रहे हैं? बी से आ रहे हैं। तो ये आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये चार रिजल्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू सी कॉमा डी। मतलब ये दो ऑर्डर पेयर हैं, ये एक पेयर है एक दूसरा पेयर है, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे कब होंगे? इफ़ ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, तभी आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। ओके, सेकंड, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी या बी एंड ए, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। मैंने वैसे आपको करके बताया, डिफरेंट है इफ ए और बी भी डिफरेंट है। अगर ए बी दोनों अलग अलग हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी अलग अलग है। क्लियर है? नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई, इसका क्या मीनिंग है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकालना है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई है वो, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी कब होगा? या तो इन दोनों में से कोई एम्प्टी हो या दोनों एम्प्टी हो। अगर ए एम्प्टी आ गया, बी में कुछ एलिमेंट हैं पर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एम्प्टी आएगा, दोनों एम्प्टी हो गए तब तो एम्प्टी अंडरस्टूड है कि एम्प्टी होगा, ठीक है। फोर्थ, सेट में अगर एन एलिमेंट है और बी सेट में एम एलिमेंट है तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो ए और बी सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, इसमें ए में कितने एलिमेंट थे? तीन, और बी में कितने थे? तीन, ठीक है। तो दोनों में कितने होने चाहिए? नाइन होने चाहिए। काउंट कर लेते हैं, नाइन है, 1 2 3 4 5
सिक्स, फर्स्ट में दो थे तो सेकंड में तीन थे, तो टू मल्टीप्लाई थ्री दैट इज सिक्स, तो इसके प्रोडक्ट में कितने हमारे पास सिक्स हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे, ये 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दो ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर है, बीच में किसका साइन है इक्वल। तो यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे इफ एंड ऑनली फॉर, तभी होंगे जब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने ये इसके इक्वल कर दिया, यहाँ पे आप सॉल्व कर लें कितना आ गया एक्स अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू। सिमिलरली सेकंड क्या है, वाई माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर लें, वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री वाई, थ्री अपॉन थ्री एंड वाई इज इक्वल टू, तो ये आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए इसे नोट करें फिर आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ सेट ए हैज थ्री एलिमेंट, इफ सेट हैज थ्री एलिमेंट एंड सेट बी हैज आल्सो थ्री एलिमेंट, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, बस क्या आंसर है। ठीक है जी, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, दो सेट गिवन आपको, जी जी में दो एलिमेंट हैं सेवन एट, और एच में एलिमेंट हैं तीन फाइव फोर टू, और देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन वही ना सेट की, मतलब कॉमे से हम लिखते हैं और कौन सी ब्रैकेट्स में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो आपने क्या फाइंड करना, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। अब आप ध्यान से देखिए आपने कैसे फाइंड करना है, जी क्रॉस एच, तो पहले आप जी सेट लिख लेंगे सेवन कॉमा एट क्रॉस, फिर आप एच के सेट लिख लेंगे फाइव फोर टू, अब आपने एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेनी है, अब हमने पेयर बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ऑर्डर्ड पेयर का कैसे बनाने हैं कि पहले आपने ये वाला एलिमेंट ले लेना है, तो पहले इसका इसके साथ पेयर बनाना है सेवन कॉमा फाइव, और ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर भी कॉमा है, नेक्स्ट फिर सेवन कॉमा फोर, मतलब आपने पहले सेवन को ले लेना और इसमें जितने एलिमेंट हो सेकंड में उन सबके साथ पेयर पहले बना लेने हैं, फिर थर्ड फिर सेवन रहने देंगे, फिर सेवन कॉमा टू। अब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे एट कॉमा फाइव, एट कॉमा फोर, एट कॉमा टू, लिखने का तरीका देख लो, जो ये वाली ये जो ऑर्डर पेयर है इसको डबल एट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, दो है ना इसमें एलिमेंट, तो क्या बोलते हैं इसे डबल एट। तो सेवन कॉमा फाइव, सेवन कॉमा फोर, सेवन कॉमा टू, फिर इसी प्रकार से दूसरा, तो देखो हर एक एलिमेंट के बाद भी कॉमा लगाया, ब्रैकेट के अंदर भी कॉमे, एलिमेंट को भी डिफ्रेंशिएट किया कॉमे के साथ, बाद में एलिमेंट भी डिफ्रेंशिएट किया कॉमे के साथ, ये सारे नंबर्स हैं, अगर आपने इसमें कॉमे कहीं नहीं लगाए, ब्रैकेट गलत लगाई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन गलत होगा। सिमिलरली अब हम निकालते हैं एच क्रॉस जी, अब एच के जो सेट है वो पहले लिखना है, तो ये आ गया फाइव कॉमा फोर कॉमा, फिर एच एच के लिख रहे जी के, अब आपने इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करना है और ऑर्डर पेयर बनाने हैं, तो फाइव ले लेंगे पहले फाइव कॉमा, फिर कॉमा फाइव कॉमा एट, फिर कॉमा फोर कॉमा, फिर फोर कॉमा, फिर फोर कॉमा, हाँ फोर कॉमा सेवन, यहाँ पे क्या आएगा टू कॉमा सेवन, टू कॉमा एट, और ये आपके पास, ये आपके जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, नोट करें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में तीन पार्ट है, तो जो फर्स्ट पार्ट है इफ पी उसमें एलिमेंट है दो एम कॉमा एन, और दूसरे सेट में है एन कॉमा एम,
तो ये पी क्रॉस क्यू मतलब क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है कि एम कॉमा एन एन कॉमा एम, तो बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है, फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि देखो इसमें दो एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो दो, और इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए, फोर होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो मेरे पास आएगा पी क्रॉस क्यू। हाँ, तो एम पी पहले है, क्यू बाद में है, तो एम कॉमा एन, दूसरा एम कॉमा एम, और फिर एन कॉमा एन और एन एम, तो ये आपका सही क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सेकंड देखिए, सेकंड नहीं मैंने लिखा, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और ऑर्डर पेयर है उसमें एक्स वाई, और एक्स कहाँ से आ रहे हैं, ए से, और वाई कहाँ से आ रहे हैं, बी से, तो क्या ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि ए क्रॉस बी है ना, तो एक एक्स जो ए से आ रहा है और वाई बी से आ रहा है, तो वही वो कह रहा है। तो थर्ड मैंने लिखा है कि इफ ए उसमें सेट है, ए सेट में दो एलिमेंट है 1, 2, बी सेट में दो एलिमेंट हैं 3, 4, और आगे कह रहा है, कहता है ये ट्रू है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है ये वाला रिजल्ट, ट्रू मतलब आपको श्योर नहीं बता। देखो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले पहले ये ब्रैकेट वाला जो हमें निकालना पड़ेगा, ये है बी इंटरसेक्शन फाई, तो बी इंटरसेक्शन फाई का क्या मीनिंग है, फाई, और ए क्रॉस फाई का क्या मीनिंग है, और ये देखो ना ये इसके आ गया ए क्रॉस फाई, बी इंटरसेक्शन फाई, बी कोई सेट है और फाई नॉन एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी सेट हो गया और बी क्या है, नॉन एम्प्टी है, दोनों का इंटरसेक्शन, फिर ए क्रॉस फाई, क्योंकि हमने रिजल्ट में बताया था कि जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना उनमें से आइदर वन या बोथ अगर फाई हैं एम्प्टी हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, एक क्वेश्चन लिखा मैंने फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है कि ए आपके पास एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं -1, 1, आप फाइंड करना चाहते हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए, अभी तक हम दो का फाइंड कर चुके हैं, ए क्रॉस बी हम कर, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमने, अब यहाँ हम कितने प्रोडक्ट कितने सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तीन का, अब इसको कैसे करना, सबसे पहले हम दो का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको निकालने आता है, ये देखिए ए क्रॉस ए, अब ध्यान से देखना अपने ही सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो एलिमेंट लिख लो 1, 1 क्रॉस -1, 1। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो देखो पहले क्या मेथड क्या है कि आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इनके साथ पेयर बनाएंगे, तो -1, -1 पहला, फिर -1 दूसरा, फिर यहाँ पे 1, -1 फिर 1, 1, तो ये आपके पास इसमें फोर एलिमेंट आ गए, तो फोर ही आने थे क्योंकि ए में दो हैं इसमें भी दो हैं, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में भी फोर आने, 2 × 2, तो यहाँ पे आ गया ए क्रॉस ए, हम फाइंड करना चाहते हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है, तो मैं देखो ऐसे इसे ऐसे लिख लूँ, ये क्रॉस मार लूँ इसको, ये अभी फाइंड किया हमने, तो ए सेट को क्या मैं लिखूँ -1, और क्रॉस, और ए क्रॉस ए आपने फाइंड किया है, इसे हम लिख लें -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, अब ठीक है, तो अब आपके पास ट्रिपल ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, अब ये एक सेट जी आ गया, एक सेट जी आ गया, इन दोनों का अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना और आपने पेयर बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं सबके साथ पेयर बनाएंगे, तो देखो -1 और ये पूरा आ जाएगा, ध्यान से देखना, तो आएगा -1, -1, चला पता,
फिर माइनस वन ही रहेगा, फिर सेकंड वाला माइनस वन माइनस वन वन, बस आपने इसे फर्स्ट प्लेस पे रखना है। तो आपको पता ना कि जो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे और फर्स्ट प्लेस पे ही आएगा। नेक्स्ट माइनस वन वन माइनस वन, सब में कॉमे डाल रहे हैं मैंने। नेक्स्ट माइनस वन वन वन, अब क्या करेंगे, वन को लेंगे और चारों के साथ पेयर बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या गया वन इसके साथ वन कोमा माइनस वन, फिर वन कोमा माइनस वन, फिर वन कोमा वन माइनस वन, और ब्रैकेट कहीं पे भी आपने कॉम में ब्रैकेट नहीं लगाए, नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट कितना हो गया, एक दो तीन, एक बच गया लास्ट वन कोमा वन कोमा, और आप इसे, तो ये आपका ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आ गया, ठीक है। चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, आपको गिवन है ए क्रॉस बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, उसमें एलिमेंट है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। आपने फाइंड करना है ए एंड बी, मतलब सेट ए और सेट बी फाइंड करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है। पहले हमें क्रॉस ए बी गिवन होता था तो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, अब उल्टा पूछा उसने। तो बताओ ए में क्या एलिमेंट आएंगे, उसका कारण है हमारे पास क्या मेथड होता है कि हमें पता है कि इसकी जो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट हैं वो फर्स्ट सेट से आते हैं और सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट होते हैं वो सेकंड सेट से आते हैं। तो अब हमारे पास ए कितना आ गया, ए कोमा, रिपीट नहीं होगा, ए दो बार है ना, बी भी दो बार है, लेकिन सेट में जब लिखेंगे तो वो एक बार आएगा। और बी में क्या आएगा, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। सेवन क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी चार आपको सेट गिवन है। पहला पार्ट है कि आपने फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितने हो गए, एक दो तीन, तो तीन क्वेश्चन हमने फाइंड करने हैं, तो तीन क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, हाँ जी, सबसे पहले B इंटरसेक्शन C, क्योंकि हमने फाइंड करना A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो हम पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं। तो B और C देखो कहाँ पे है, इसे मैं हटा दूँ, ठीक है, ये आपने आपको पता ही है, और ये आप यहाँ पर इसको हटा देते हैं। चलिए B इंटरसेक्शन C, ए B C दोनों में कोई कॉमन है बेटा, क्या आ गया फाइव हो गया। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आंसर आया भाई, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया, मतलब प्रूव नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए क्रॉस, तो अब क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ सीधा ही, ए है बी है, तो ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वन कॉमा वन कोमा वन कोमा वन कोमा, चलिए फिर उसके बाद टू कोमा टू कोमा, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। अब दूसरा क्या पार्ट है, ए क्रॉस, तो ये आपके पास ए है और ये सी है, तो क्या बन गया, वन कोमा वन कोमा टू कॉमा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना चाहते हो, तो नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, चेक करो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट चेक करें, आप देखेंगे कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो क्या आ गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है, तो हमारा रिजल्ट ठीक है। नेक्स्ट था कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी आपने यहाँ निकाला हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, और सेकंड हमारे पास है बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस डी निकाल लें, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर डी, तो बी क्रॉस डी वन कॉमा
फाइव, वन कोम आगे वन कोमा, देखो गलत करके ना अभी अभी ये बोला टू कोमा सिक्स। नौ, पहले आपने वन एलिमेंट को सबके साथ पेयर बनाना है, वन फाइव वन सिक्स आगे वन कोमा आगे शांत हो गए, भूल गए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ऐसे कर दे, अब चेक करो। अब ये कह रहा है कि क्या ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। इसका क्या मतलब है कि ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में होने चाहिए? तो देखो वन कोमा फाइव है बेटा, वन कोमा सिक्स है, टू कोमा फाइव है एंड टू कोमा सिक्स है, ये तो ये हमारे पास टू है। देयर फोर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी।